चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हमारे अभियान का सहयोग करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। शेखर भाई, एक साल से ज्यादा हो गया जेल में। कैसा लग रहा है आज बाहर आके, क्या महसूस यार? आज तो बहुत ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत जो टायर्ड हो चुका हूँ, क्योंकि यार देखो इतने भाई हैं, मैं मिल नहीं पा रहा हूँ, उनकी सेल्फी की डिमांड मैं पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, और मैं उनसे ज़्यादातर लोगों से गले भी नहीं मिल पा रहा, तो मुझे काफ़ी दुख भी हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग, सब लोगों को पता लगता है, सब लोग भाग भाग के आ रहे हैं। तो आज थोड़ा सा खुली हवा में हूँ, लेकिन आसपास के माहौल से बड़ी गर्मी है, तो थोड़ा सा अच्छा महसूस कर रहा हूँ, उस पंडित से अच्छा महसूस कर रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें याद देख पा रहा हूँ, माँ से मिला हूँ, घर देखा है बहुत दिनों बाद, और आसपास के लोग देखे हमारे, जो बहुत लोग जेल में नहीं मिल पाए, जिन्हें मिलने नहीं दिया गया सरकार ने, उन लोगों को भी देखा, तो काफ़ी अच्छा लगा। आपको हाई कोर्ट ने लगभग, पहली चीज़ तो रिहाई पर बहुत बहुत मुबारकबाद, हाई कोर्ट ने आपको लगभग सारे केसेस में, लगभग नहीं सारे केसेस में आपको बेल दे दी, ये तक कहा था कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड लग रहा है, उसके बाद आपको रासुका लगता है, रासुका लगने के पीछे आपको क्या कारण लग रहा है? रासुका मैंने एक दंगा यहाँ रुकवा दिया था, जो दलित मुस्लिम भाजपा करवाना चाहती थी 20 अप्रैल 2017 को, तो तब से सड़क दूधली उनकी नज़रों में, तब से मैं था, उन्हें पता था कि यार ये आदमी नुकसान पहुँचाने वाला, तो उन्होंने कई चुनाव मुझसे बचाने के लिए मुझे बंद कर दिया, वो प्रयास कर रहे थे कि लोकसभा का चुनाव मुझसे बचा लें, लेकिन उन्होंने देखा कि दलित समाज मुझे लेकर इतना चिंतित है, बहुजन पूरा बहुजन समाज, कि वो उनका बिल्कुल कट्टर विरोधी हो गया, तो उन्होंने सोचा कि यार पॉलिटिकल माइलेज ले लो, सुप्रीम कोर्ट से भी छूटने वाला हूँ, तो इसलिए जो है उनको, उनकी तकलीफें बढ़ने वाली। आगे का रास्ता दलित आंदोलन के और प्रगतिशील आंदोलन के लिए आगे का रास्ता आपके हिसाब से यहाँ से क्या है? क्या ये एक नया दौर, एक दूसरा दौर शुरू हो रहा है दलित आंदोलन का? देखिए, बाबा साहब ने कहा कि 21वीं सदी हमारी है, उस 21वीं सदी को प्राप्त करने के लिए किसी भी चीज़ को आप सम्मान भी चाहते हैं, तो उसके लिए भी कुछ संघर्ष करना पड़ेगा ना, कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी, जैसे 2 अप्रैल को दी गई है, तो ये कुर्बानियाँ दी जाएंगी, लेकिन ये नया दौर इसलिए स्टार्ट होगा कि अब बहुजन समाज में के लोग किसी भी सूरत में अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, अधिकारों को लेकर रहेंगे, उसके लिए धरने होंगे, आंदोलन होंगे, भूख हड़तालें होंगी, जो कुछ भी हो सकता होगा, फिर चाहे रासुका लगे, मुकदमे दर्ज हो, फांसी हो, कुछ भी हो, जान चली जाए, लाठी लगे, किसी चीज़ का डर नहीं, अब डर खत्म, किसी को इतना भी मत डराओ कि वो डर को खत्म कर दे, ऐसा हो गया हमारे साथ। आपके ऊपर रासुका लगी, आज उत्तर प्रदेश में लगभग 200 लोगों पर रासुका लगी हुई है, उनमें से ज़्यादातर या तो मुसलमान हैं या दलित हैं, आर्थिक रूप से ज़्यादातर समृद्ध नहीं है, सरकारी तंत्र उनके पास है, अपने सारे पॉलिटिकल राइवल्स, चाहे गौरी लंकेश, उनके बारे में आपने एक खत में भी लिखा था, या तो उनको उड़ा रहे हैं या फिर जेल में आपकी तरह आपको डाल रहे हैं और रासुका लगा रहे हैं, और ख़ास करके जो गरीब तबका है, दलितों का, मुसलमानों का, उन पर रासुका, जिनकी आप बात करें उनके खिलाफ संघर्ष कैसे करेंगे जहां पूरा सरकारी तंत्र का इस तरह से इस्तेमाल हो? देखिए, मेरे लिए सबसे बड़ी जो मजबूत चीज़ है मेरी ईमानदारी और मेरा स्वाभिमान, जो कुछ होगा देखा जाएगा, मैं पूर्ण रूप से तैयार हूं कि मैं अपने स्वाभिमान को किसी सूरत में कमजोर नहीं, मेरे हौसले जो हैं वो मिशन से है, जब मुझे दिक्कत होती तो मैं उसे पढ़ लेता हूँ, बाबा साहब को पढ़ लेता हूँ, साहब काशीराम को पढ़ लेता, ज्योतिबा फूले साहब को पढ़ लेता हूँ, पैरियर बिरसा मुंडा, देख कितने कम समय में अपनी सब चीज़ें ख़त्म कर दी, और फिर भगत सिंह है मेरे पास पढ़ने को, तो हम लोग हमें कहते हैं कि नौसिखिए नौजवानों की फौज है, ये नौसिखिए नौजवानों की फौज नहीं है, ये एजुकेटेड अम्बेडकर वादियों की फौज है, फोर्स है, जो अपने अधिकारों के लिए अब लड़ने को तैयार है, और लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन होगी। शेखर भाई, ये जो आप कह रहे हैं कि आज एक नया दौर है जहां एजुकेटेड यंग दलित यूथ है, क्या दलित आंदोलन में भी क्या आज नए सवाल खड़े होंगे? क्या दलित आंदोलन में भी संसाधनों के बांटने के समान सवाल, या फिर ज़मीन बांटने के सवाल, या फिर आर्थिक समृद्धि के सवाल दलितों के लिए, क्या ये सवाल भी आज इस आंदोलन में जुड़े? सभी सवाल खड़े होंगे, लेकिन अभी तो सिर्फ जगाने की लड़ाई चल रही है, फिर बहुत सारे सवाल, हक के सवाल खड़े होंगे, हक हकूक की जो लड़ाई वो भी खड़ी होगी, हमें अधिकार भी चाहिए, हमें सम्मान भी चाहिए, हमें अपनी ज़मीन भी चाहिए, जो ज़मीन आपने हमारी जो है दबा ली है, कॉरपोरेट जगत को दे दी, वो ज़मीन भी हम आपसे लेने का काम करेंगे, तो उसके लिए पहले हम खुद को तैयार करें, कोई भी लड़ाई बिना तैयारी के जीत नहीं जाती, अब हम तैयार कर रहे हैं, और फिर ये तैयारी जब हमारी पूरी हो जाएगी तो धीरे धीरे हम एक एक चीज पे फोकस करते जाएंगे। आपने, भीम आर्मी ने शिक्षा के काम स्तर पे बहुत काम किया है, बहुत जगह निशुल्क पाठशालाएं खोली हैं, इस काम को क्या आगे ले जाने का इरादा है, कैसे, और क्या इसमें क्या कुछ नया भी लाने का इरादा है? हाँ, ये बढ़ेगा, प्रत्येक गाँव में, अब मैं आ गया हूँ, प्रत्येक गाँव में कोचिंग सेंटर खुलेंगे, कोचिंग सेंटर के कंपटीशन सेंटर भी खुलेंगे,
और जो बच्चे मतलब मजबूत बच्चे हैं, मतलब बिना ट्यूशन के अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, मेंटली स्ट्रॉन्ग है, उन बच्चों को हम लोग जो है प्रयास करेंगे कि उनको सभी सुविधाएं देने का काम करें। तो और बहनों पे हमारा फोकस रहेगा कि बहनों को हम एजुकेशन में ज़्यादा वो करें। भीम आर्मी में आपने बहनों की बात करी, भीम आर्मी में लीडरशिप में बहनें कब देखने को मिलेंगी? अब ये 1.5 साल बाद मैं अब आया हूँ, मैं जो कुछ खामियाँ दुरुस्त करूँगा, मैं बिल्कुल कहते हैं कोई आदमी पूरक नहीं होता, बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ नहीं होता, तो मैं तो इसके बिल्कुल व्यक्तिवाद के खिलाफ हूँ। मैं आया हूँ, जो चीज़ें कमी रहेंगी मैं उनका प्रयास करूँगा, उनको जोड़ने का, उन लोगों को लेके आने का प्रयास करूँगा। दो और सवाल, देश में जगह जगह आज रोज़ अखबार उठाते हैं, कभी गौरक्षा के नाम पर हमले हो रहे हैं मुसलमानों पर, कभी दलितों पर हमले हो रहे हैं, लगभग रोज़ की खबरें हो गई हैं, ये बढ़ रहा है, ये क्यों हो रहा है आपके हिसाब से, और इसके खिलाफ कैसे एक आंदोलन खड़ा हो पाएगा? एक बिल्कुल सीधे 200, आपने बताया कि 200 लोगों के लगभग राशुका लगा, ये क्या है? ये एक तरह का टेरर फैलाया जा रहा है, एक तरह का डर कि लोग इससे डरें, सरकार ये कर सकती, सरकार वगैरह, सरकार कुछ नहीं कर सकती। अगर आप सही हैं, सरकार आपको जेल में डाल सकती है, सरकार आपको मार सकती है, कुछ भी कर सकती है, लेकिन इससे आपके आंदोलन को कोई कमी नहीं आने वाली, क्योंकि आप जाओगे दूसरा जाएगा, कल चंद्रशेखर मर जाएगा तो क्या आंदोलन बंद हो जाएगा? भीम आर्मी इसलिए तो बनाई, अगर मैं सिर्फ व्यक्तिगत लड़ता तो अपने नाम से लड़ता, अब मैं भीम आर्मी के नाम से लड़ता, मेरे बाद विनय रतन सिंह हैं, कमल वालिया, मंजीत नोटियाल हैं, बहुत सारे लोग खड़े हैं लाइन में, वो सब लोग लड़ते रहेंगे और तब तक लड़ते रहेंगे जब तक संघर्ष में क्या तो जीत ना जाए या इनको जो है वीरगति ना मिल जाए, ये लड़ाई चलती रहेगी। चुनावी राजनीति में आपका हस्तक्षेप होगा? मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, मैं पूछ रहा हूँ क्या चुनावी राजनीति में आपका भीम आर्मी का क्या हस्तक्षेप? देखिए, मेरा हस्तक्षेप ये होगा, मैं भाजपा को रोकने के लिए प्रयास करूँगा, उसमें अगर मुझे ऐसा लगा कि भाजपा को रोकने के लिए कुछ खामी है, उन्हें दुरुस्त करने के लिए मैं लोगों से बात भी करूँगा। मोदी जी योगी के लिए कोई संदेश? बस बहुत काम कर लिया, अब इतनी जाते वो लोग काम करें, अब आराम करने की जरूरत। और युवाओं के लिए क्या संदेश? युवाओं के लिए तो एक ही संदेश है कि आप अगर जिंदा हैं तो प्रमाण दीजिए, बिल्कुल अपने आप को जागरूक बनाइए, अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहिए और किसी चीज़ से डरने की जरूरत नहीं है। आप कॉन्स्टिट्यूशन वे में अपनी बात रखें, अपनी बात के लिए मजबूती से लड़ें, अपने अधिकारों के लिए लड़ें, अपने सम्मान के लिए लड़ें, और क्योंकि हमारे पास एक ही हथियार है लड़ाई करने का, वो शिक्षा, शिक्षा पर फोकस करें, अच्छे एजुकेशन लें और अपने आप को समाज में स्थापित करें। जय भीम, जय भीम।